ज्ञान से रोशन कर दे सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान। निरक्षरता अभिशाप है और साक्षरता वरदान। पिछली कड़ी में आपने देखा कि लक्ष्मी अपनी बेटी गौरी के साथ बाजार में जाते हुए अपनी एक पुरानी सहेली पार्वती से मिलती है। पार्वती से लक्ष्मी को पता चलता है कि पार्वती के घर के हालात अच्छे हैं। लक्ष्मी भी अपने हालात सुधारने के सपने देखने लगती है। बाजार में लक्ष्मी और गौरी के अनपढ़ता का सबूत मिलता है, जहाँ दुकानदार उनके अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उनसे ज्यादा पैसे लेता है। बीमार सावित्री को उसका पति डॉक्टर की दवा लाकर उसे देता है। अनपढ़ होने के कारण जख्म पर लगाने की दवा सावित्री पी जाती है और उसकी जान को खतरा पैदा हो जाता है। अब गौरी सावित्री की जगह पर काम करने कंस्ट्रक्शन साइट पर आती है। राधा की सहेली चंदेरी विक्रम और गौरी को वो जगह दिखाती है जहां राधा के साथ बलात्कार हुआ था। गुस्से में पागल विक्रम मैनेजर गिरधर को मारने निकल पड़ता है। गौरी की माँ लक्ष्मी अपने पति के सामने गौरी और विक्रम के प्रेम का विरोध करती है। और अब देखें इसके आगे। विक्रम, पता नहीं हमारी माँ को कहा हो गया है। कहा है वो? पहले तो तोरा सिर खाया करती थी और अब जब भी हमका तुम्हारे संग देखती है तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। हम तो सुनत ही नहीं। अरे तुरी माँ बहुत प्यारी है, वो अच्छी तरीके से जाना था कि हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बड़े लोग ये चाहते हैं कि शादी से पहले लड़का लड़की ना मिले। पर उनका क्या पता कि अगर हम तो उसे ना मिले तो उसे प्यार से बातें ना करे तो उनका खाना नहीं जाते। एक काम करते हैं, का? वहू खुश हमो खुश, हम लोग चोरी चोरी मिले। चलत आज ही से माधव काका का हम पैर दबाना हुक्का बनना शुरू करते हैं। ठीक है, चल हम चलते हैं। अरे कहाँ? उनका जाना है। अरे तनिक देर हमारे साथ रहो, बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। नहीं, माँ की सहेली आई है गाँव से, उनका घर जाना है। अरे थोड़ी देर हमारे संग रहो ना। ठीक है चल। पार्वती, अरे लक्ष्मी तू आजा आजा, आ बैठ। बैठे? अरे नीचे कहाँ बैठे थे, सोफे पे बैठना। काका तो हम यहाँ बैठे महिला हो जाए। का बात करते, तो हर बैठने से महिला थोड़ी ना होगा। आ बैठ, कुछ भी बातें बनावत रहे आते। तू बैठ, हर वस्त में चाय बना कर आवत हूँ। नहीं नहीं, हम का चाय रह जाए, तू हमारे पास बैठ। अरे सुन दो पार्वती। हाँ तोहर सेठ सेठानी नहीं दिक्कत है ना? सेठ सेठानी अपने कमरे में बैठे टीवी पे खबरें सुन रहे हैं। तू उका बिना पूछे ही हमका बुला लिए, वो लोग गुस्सा नहीं होंगे? अरे नहीं, बहुत भले लोग हैं और हमका तो इस घर की नौकरानी नहीं मेंबर ही समझत है। पता है पहली बार का हुआ था, हम इनका यहाँ नया नया काम शुरू किया, हमसे मिलने रिश्तेदार आए थे तो डर के मारे हमने उका पानी तक नहीं पूछा। सेठ बहुत गुस्सा हो गए, कहने लगे इस घर में आने वाला हर इंसान चाहे तुमसे मिलने आए या हमसे, वो इस घर का मेहमान होते हैं और हर मेहमान का इज्जत से स्वागत होना चाहिए। अरे इतने अच्छे लोग दुनिया में कहाँ मिलते हैं? हाँ, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, अब खेलने कूदने की उम्र में फुटपाथों पर पेन बेचा करते थे। हाँ, वही कोई 15-16 साल की उम्र रही होगी तब उनसे पेन खरीदने एक औरत आ गई। उसने पूछा, क्यों बेटे पेन बेचते फिरत हो, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करत हो का? तो कहने लगे, हाँ पढ़ना लिखना तो बहुत चाहता हूँ पर का करे, हमारी मजबूरी है, माँ पिता गरीब जो है। फिर वो औरत उनको प्रौढ़ शिक्षा केंद्र ले गई। ये प्रौढ़ शिक्षा का होते? अरे वही तो बतावत है, प्रौढ़ शिक्षा माने वो रात की स्कूल होती ना, रात की पढ़ाई। हाँ, सरकारी स्कीम जहाँ 15 और 35 साल की उम्र के लोगों को जो कभी स्कूल नहीं जावत है ना, उनको वहाँ पढ़ना लिखना सब सिखाया जाते हैं। हाँ हाँ, हमरी समझ में आया। हमरी यहाँ भी एक औरत आई थी, वो
ऐसे नहीं कुछ कह रही थी, प्रोसीक्शन हमका कुछ भी समझ में नहीं आया। हमने लोगों ने उका धक्का मार के निकाल दिए। ये तो तुम लोगों की मूर्खता और बदकिस्मती है। मौसी, सेठ की बात बताओ ना, फिर क्या हुआ आगे? हाँ, बस कुछ पढ़े, फिर रात के स्कूल में दाखिल हुए, फिर दिन भर काम करना, रात को स्कूल में जाना, फिर कॉलेज गए। अच्छा, फिर नौकरी मिल गई, नौकरी के साथ साथ वकालत भी पास कर ली, फिर और क्या चाहिए था। प्रभु की कृपा से देख लो, वकालत ऐसी चली कि आज देश के जाने माने वकीलों में उनकी गिनती होत है। पर सुनो, कभी घमंड नहीं किया उन्होंने उस बात का, और ना ही कभी किसी गरीब को नीचा समझत रहे। फिर ब्याह बाद में हुआ उनका? हाँ, वकालत पास करते ही उनका ब्याह हुआ, मतलब काम शुरू भी नहीं हुआ था। वही प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जो उन्हें ले गई थी ना, उसी औरत ने अपनी बेटी से उनका ब्याह करा दिया, और उसी भली औरत ने उनकी मदद भी की तरक्की में। अच्छा, अब ऐसा कर, कल तू हमारे घर चलिया। हाँ, कल हमका छुट्टी भी है ना, तो वहीं बैठ के आराम से कल ढेर सारी बातें करेंगे। और उसी बहाने तेरे जीजा जी से भी तो मिल सकेगी। अच्छा, हम चलत है। हाँ, कल तोरे घर आऊंगी। हाँ, और गौरी को लेते आना। हाँ हाँ, ले आऊंगी। बापू, हम काम पर जाते हैं। काम पे आएगी ना तो मेरी रोटी ले आना। ठीक है। अरे काओ भौजी। हाँ जी। कैसी तबीयत है? ठीक है मौसी, तो हर जगह हम काम पर जाते हैं। अच्छा, बीमार भी ना पड़े, ये एकदम ठीक ठाक है। हाय, क्या हो गया बच्चा? कुछ नहीं अम्मा, वो पत्थर लगवा पर। देख के नहीं चल थे का? अरे आंधन की तरह चले तो ऐसे ही होए। सावित्री आ गई तू? जी, शुक्र है भगवान का, तूने तो हमें डराई दिया था। मैं अब ठीक हूँ। सूरज, अम्मा को लेकर घर जा। अम्मा, हम काम पर जाते। जल्दी आ बेटा। हाँ, चलो अम्मा। जी, आराम करना। हाँ जी जी, आराम से चलो। बाबूजी, आप कहाँ कह रहे थे, कौन सी सब्जी? रोटी लेके आना, सब्जी और कांदा लेके आना मेरे। ठीक है बाबूजी। विक्रम भैया। हाँ। भरतू चाचा की तबीयत आजकल बहुत खराब है, दिन रात दारू के नशे में रहता है, खाता पीता कुछ भी नहीं, ऐसा तो मर जाएगा। अरे तो पैसे है ना उसके पास, अस्पताल में भर्ती काहे नहीं करवा देते? कहा था हमने, वहां का इलाज भी हो जाता और दारू भी बंद हो जाती, मगर वो माने तब ना। अगर वो मर गया तो ये मौत भी गिरधर के नाम होगी। जब से राधा हम सब का छोड़ के चली गई, वो दारू में डूब गया। तो करना क्या है? अरे यार, धीरे बोल, धीरे, दीवारों के भी कान होते हैं। गिरधर का टोपी वाला दोस्त, जरा सुन का बात कह रहा। देख भाई, दो ट्रक सीमेंट, एक ट्रक स्टील का मैं तेरे पास भेज चुका हूँ, लेकिन गुरु पैसे अभी तक एक ट्रक के मिले हैं। एक ट्रक माल तैयार है, बोल कब भेज दूँ, लेकिन पैसे की बात करें। मुझे सामने वाला पैसा देगा तभी दूंगा ना यार। तो यार, ऐसा धंधा करने से क्या फायदा? देख भाई, खा मखा हमारी तुम्हारी दोस्ती में दरार पैदा होगी। अरे नौकरी तो नौकरी, दुनिया भर की मगजमारी करके, जान को खतरे में डाल करके, हेरा फेरी करके धंधा भी करो और सामने वाले से पैसे भी नहीं आवे, तो तू ही बता, ऐसा धंधा करने से क्या फायदा? यार, पैसे की जिम्मेदारी मेरी है। देख, माल मैं ले रहा हूँ तो पैसा मैं ही दूंगा ना। देख, पार्टी से बात नक्की हो गई है, तू एक ट्रक माल भिजवा दे और तेरा सारा पैसा हाथों हाथ ले जा। अरे यार, मेरी जबान है। ठीक है यार, तेरी जबान के ऊपर मैं माल भेज रहा हूँ, लेकिन तुमको तो मालूम है कि माल संडे को ही निकल सकता है। तू मुझे जगह और समय बता दे, मैं ठीक समय पे माल भेज दूंगा, लेकिन यार पैसे जरूर दिला देना भाई। रात ठीक 12 बजे बाबू भाई की कंस्ट्रक्शन साइट पर, भाईंदर ईस्ट में। देख भाई, माल तो मैं भेज दूंगा गुरु, लेकिन गुरु पैसा हाथ के हाथ देना। हाँ, अब आई ससुरे की गर्दन हमारे हाथ। लोग कहते हैं भगवान इंसाफ करत है, अब भाई उनका न्याय करे का वक्त आ गया। सुनो, ये बात अपने टोली किसी आदमी को ना बताओ कि हम सेठ से शिकायत किया है। अगर गिरधर का मालूम पड़ गया तो टोली वालों की खैर नहीं। एक बात बतिया का टेलीफोन
टेलीफोन? हम सेठ को टेलीफोन करके सब कुछ बता देते हैं। वो नाम पूछेगा तो हम बताएंगे नहीं, कहेंगे हम आपके हितैषी हैं, नाम बताने से डरते हैं ताकि कल हम पे कोई आफत ना आ जाए। ठीक है, इतवार का भी दिन है, तब तक सोच लेंगे क्या करना। चलो चलो। पार्वती बहन हम आवत है। लक्ष्मी तुम? हाँ। आओ बैठो। यहाँ बैठे। अरे अपना ही घर है, आओ बैठो। आओ चलो, आओ गौरी बेटे, यहाँ बैठो, बैठो आराम से। आ बेटा। और सुनाओ पार्वती बहन, तो हर बच्चे ना ही दिखते है। अरे स्कूल की छुट्टी है ना, वो नानी के यहाँ गए हैं। तू अपनी सुना। बहन अब मैं कहाँ सुनाऊं, हमरे लिए इधर ही कोई काम ढूंढ लो। वो बस्ती हम जल्द से जल्द छोड़ना चाहते, हमरे लिए एक छोटा सा घर हो और इकलिए नौकरी हो, इतना काम कर दो बहन। हमने तो हर जीजाजी से बात कर ली है, कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेंगे वो। पार्वती जीजाजी कितने बजे आवत है? इस वक्त तो आ ही जाते हैं, पर वो कहा है ना सेठ के यहाँ बहुत ज्यादा काम रही। पार्वती ओ, नाम लिया और हाजिर हो गए, 100 साल उम्र है इनकी। आज बहुत देर कर दिया आपने। हाँ जरा काम से चला गया था। अच्छा इनसे मिलो, ये हमारे बचपन की सहेली है लक्ष्मी। नमस्ते। और ये है गौरी। हाँ। उनकी बेटी, हमने इनको बताया था ना इनके बारे में। अच्छा अच्छा, वही लक्ष्मी जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती है? हाँ वही। कंस्ट्रक्शन साइट का माहौल तो आप जानत ही हैं। ये उस माहौल से बाहर निकलना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मजदूरी छोड़कर कुछ नया काम शुरू कर सके। इसको 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। ये उसको पढ़ाना लिखाना सब सिखाना चाहते हैं। अब पढ़ाने लिखाने के लिए खर्चा तो बहुत आवे है और काम भी अच्छा मिलना चाहिए। तो ये बताओ तुम्हार पहचान से कहीं इनका काम नहीं हो सकता है का? क्यों नहीं हो सकता, अगर ये चाहेंगे तो इनके पति को मैं गांधी सेठ के यहां रखवा सकता हूं। अभी तो इन्हें वही काम करना पड़ेगा जो अब तक करते रहे, बाद में उनका खुद का धंधा करवा लेंगे। और उससे भी एक अच्छी बात है, गांधी सेठ को एक नौकरानी की जरूरत है। काम तो इन्हें वही करना पड़ेगा जो अब तक तुम जैन साहब के यहां करती रही हो, तुम इन्हें समझा देना। हाँ वो बात तो ठीक है, पर हमका अंग्रेजी ना ही आवत है, हम तो बिल्कुल अनपढ़ गवार है। अरे वो अंग्रेजी वाले लोग नहीं है, सीधे साधे और धार्मिक लोग हैं। देखो सेठानी जो है उन्हें दमे की बीमारी है, उन्हें मेहनती ईमानदार और जो उनके घर को अपना घर समझे ऐसी नौकरानी चाहिए। मैं उनके यहाँ ड्राइवर हूँ, उनके घर को और उन सब लोगों को जानता हूँ, आप वहां आराम से काम कर सकेंगी, समझाओ ना। अब जब इन्होंने कहा है तो ई समझ लो तुम्हारा काम हो ही गवा। ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई गई। तुम्हारा बहुत उपकार है बहन लक्ष्मी। अम्मा मौसी का घर देखा है? अरे जा ना बिटिया, पूछत काहे को, तो हाल तो घर है, चल जा। और सुन रसोई भी देख लेना है। बहुत नटखट बिटिया तुम्हारा। बोली भी है। बाप की लाडली जो है। अच्छा हाँ। अरे प्रीतम आओ। अरे प्रीतम ऐसे क्यों कहा? बोल कैसे आना हुआ? दादा कुछ काम ही ऐसा था, वो क्या है ना कल मुझे जरूरी काम से रजिस्टर ऑफिस जाना है और सेठ जी को भी किसी काम से कहीं जाना है, तो क्या आप उन्हें छोड़ देंगे कल? दादा कोई प्रॉब्लम? कहीं आपको अपने रिश्तेदार को कहीं घुमाने के लिए तो नहीं लेके जाना? अरे नहीं प्रीतम, ये रिश्तेदार नहीं है, ये हमार बचपन की सहेली है लक्ष्मी। नमस्ते। नमस्ते। प्रीतम है। अच्छा। और प्रीतम तुम जो दरवाजे पे जिसको देख कर तुम्हारी सांसें रुक गई थी ना, वो इनकी बेटी है गौरी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो दादा आप कल आ रहे? अच्छा आ जाऊं, ठीक है। तो दादा मैं चलूं? ऐसे कैसे भाई, चाय नाश्ता कराओ ना। हाँ, रुक जाओ ना आप सबके साथ। फिर कभी। अच्छा ठीक है, जाओ। ओके दादा, नमस्ते। बहुत भला लड़का है वैसे। पार्वती हम भी चले? अरे काहे खाना खा के जाए ना, बहुत देर हो गई है, हमारा बच्चा घर में अकेला है ना, चले। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा चलत। हाँ आती रहिएगा, ये आपका घर है। अच्छा आते हैं।
तू करना। करना तू सेठ जी बोल रहे हैं। बात करना बात कर। हेलो सेठ जी, सेठ जी वो गिरधर है ना, अब वो टोपी वाला आपका सारा माल चुरा के बेचे डाल रहा है। हाँ हम लोग अपने कानन से सुने हैं। अरे भाई लेकिन तुम अपना नाम और पता क्यों नहीं बताना चाहते हो? भाई हो सकता है तुम्हारी बात सच निकले तो हम तुम्हें इनाम देना चाहेंगे। जी ये सच है। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। गया काम पे। कोई गो कितना बाबा? एक रुपये। क्या बात है सेठ के नया रोश आ गया। का करी तू पूछ? हाँ का करी, मत पूछ हमारा कलेजा दुखत है बात करे के। सब कुछ ठीक हो जाएगा, काय फिक्र करता है सेठ। का ठीक हो जाए? हाँ का ठीक हो जाए, हमारी बीवी हमका छोड़ के चली गई और तू कह रही सब ठीक हो जाए। हमारी राधा हमका छोड़ के चली गई और तू कहता है सब ठीक हो जाए। अबरी जिंदगी नरक बन गई और तू कहता है सब ठीक हो जाए। मैं समझता हूँ सेठ, तेरा दुख मैं समझता हूँ। तू ना ही समझ सकत है, तू हमारी जगह ना ही है। तुहरी बीबी तोका छोड़ के ना ही गई, ना ही कोई तुहरी बेटी के इज्जत लूट के उका मरने के लिए छोड़ दी। हमारा दुख कौरु नहीं समझत है, टोली वालन के भी नहीं। वो पापी को मारने की बजाय कहत रही भगवान पे छोड़ दे। अरे कौनो कमी कर रखी है क्या भगवान, वो पे छोड़ दे। ये भगवान हमारे साथ ही ऐसे काय करते है, तू काय करते है। सब ठीक हो जाए, ये ले 100 रुपया और जा। बहुत दुखिया है, पैसा लेना मेरे बस का नहीं है। चल मैं ले चलता हूँ। आज दिन भर तुम्हारी अम्मा से आंख चुरावा चुरावत बहुत परेशान हो गई। चल अभी दिल की हवा दे और बात शुरू कर। चल हाँ, कोई देख लेगा तो हमका, हमें तो शर्म आ गई है। अरे लोग खुदा ही कहते हैं कि चोरी करना पाप है और खुदा ही चोरी करवाते। ज्ञान ध्यान की बातें छोड़ और काम की बातें कर। अरे काम की बात तो कर रहा, एक तो तुमसे प्यार कर रहा, अब दूसर काम की बात यह है कि जल्दी से ब्याह कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि चोरी चोरी में कुछ गलत सलत हो जाए। अरे ब्याह तो हमारा होना ही है, पर करवाने वाले तो घर वाले है। हाँ तब हम माधव काका का हुक्का पानी भरना शुरू कर दिया, वो खुद ही कह रहे थे ये जोड़ी उनका बहुत भावत है। मामला यहाँ तक बिगड़ चुका है। अरे कुछ शर्म आया है कि नहीं तुम लोगों में? टोली के दूसरे बच्चे देखेंगे तो क्या असर पड़ेगा उन पे? ठीक है, बुलवाता हूं तुम दोनों के माँ बाप को और बंद करवाता हूं ये नाटक। इंतजाम करना पड़ेगा दोनों का।
कोई गुआ बंडा था, जी पर सारी उम्मीद लगाए बैठे रहे, वही हमार प्यार का दुश्मन निकला। अब ये हमरे मैतारी बाप का नहीं, पूरी टोली वालों को बुलाइए और सबके सामने बहुत बेइज्जती करिए, मुंह दिखाए लायक नहीं रहेंगे भाई। ये सब तो तुम्हारे दिमाग की उपज है, चोरी चोरी मिलेंगे, चुपके चुपके मिलेंगे। लो हो गया मिलन। देखो भाई, आज तुम सबसे बहुत जरूरी सलाह करनी है, ये दो बच्चों के बारे में। एक तो गंगा दीन का बेटा विक्रम, और दूसरी ये अपने मोहन की बेटी गौरी। भाई सबको पता है कि बचपन में ये सब साथ साथ खेला करे थे, आपस में लड़ाई झगड़ा करे थे, पर आजकल सुना है छुप छुप के मिलने लगे। तो हमारा तो ख्याल है कि इन दोनों का ब्याह कर देना चाहिए। हमारे हिसाब से तो खूब जोड़ी जमेगी माधव काका। ऐसा लागत है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, दोनों के माँ बाप राजी हों तो हम पंडित को बुला के मुहूर्त निकलवाए, हम भी तो मिठाई के हकदार बने। काका जी बहुत अच्छे अच्छे ढोल वाले मंगवाना, हम सभी खूब नाचेंगे। इस बार तो मैं भी नाचूंगी। हाँ क्यों नहीं, सब नाचेंगे, हम भी नाचेंगे। बोल भाई गंगा दीन तेरी क्या राय? माधव काका आपने तो हमरे मन की बात कही, हमका मंजूर। हाँ भाई तू बोल सावित्री। गौरी हमार घर की बहू बन जाए तो हमका बतिया की जरूरत नहीं पड़ी, हमार घर भी चमक जाए और हमार दिल भी। हाँ भाई तू बोल मोहन। विक्रम से अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा। माधव भैया मुहूर्त निकलवाओ, ये रिश्ता हमें मंजूर है। हमका ये रिश्ता मंजूर नहीं। ये माधव भैया ये लक्ष्मी भुजाई तो हमारा सारा नशा ही उतार दी। क्या अरे पागल हो गई है क्या? पागल नहीं हुए का, हम सोच समझ के कह रहे हैं। विक्रम के साथ गौरी का ब्याह हमें मंजूर नहीं। लक्ष्मी तुम चुप रहो जी, नीचे बैठो, हम बोल रहे हैं ना, बैठो नीचे। तो क्या भाभी लड़की को जीवन भर कुंवारा बिठाने का विचार है? बहाऊंगी जरूर बहाऊंगी, मगर अपने पसंद के लड़के से। क्यों विक्रम में क्या कमी है? हाँ हाँ सुंदर है, सेहतमंद है, मेहनती है, हम सबके काम आने वाला है, और का चाहिए तो का। हम सब और तुम भी जानत है काकी ये एक दूसरे को कितना चाहते हैं। देखो लक्ष्मी काकी, ये दोनों हमसे कुछ नहीं छुपावत है, अगर इन दोनों का ब्याह न हुआ तो बेचारों के दिल टूट जाएंगे। हमारा ब्याह भी वहाँ नहीं हुआ जहाँ हम चाहते रहे, मगर हमरे दिन को तो कुछ नहीं हुआ, हमरे गृहस्थी तो सुख से चल रही है ना। कभी कोई शिकवा शिकायत उदासी देखी है आप लोगों ने हमरे चेहरे पे? ना का कोई कारण तो पता चले। हाँ हाँ हमें भी तो पता चले कि हमार बचवा में का कमी है, का कमी है हमार बचवा में जो भरी सभा में हमारा अपमान करे। तो सावित्री बहन तुहार बच्चे में कोनो कमी नहीं, तो कोनो कमी नहीं। लेकिन तुहार बेटे में एक ही कमी है। का कमी है? तुहार बेटा अनपढ़ है, गवार है। यहाँ कौन पढ़ा लिखा है? मैं पढ़ा लिखा हूँ, तू पढ़ी लिखी है? ये तेरा खत्म पढ़ा लिखा है या तेरी बेटी पढ़ी लिखी है? इसलिए हम फैसला किए हैं कि हमारी लड़की की शादी किसी पढ़े लिखे लड़के के साथ करेंगे, हमारी लड़की मजदूरी नहीं करेगी। कोशिश करने में क्या है? हम एक बात कहना चाहते हैं काकी, तुम विक्रम के साथ साथ खुद अपनी बेटी के साथ भी अन्याय कर रही हो। देखो लक्ष्मी काकी, तुम हम सब लोगों को दुखी और नाराज करत हो। हमका कोई मतलब नहीं है कोई दुखी हो या नाराज हो, अगर कोई नाराज होता है तो हमारी ड्यूटी से। चले उठ, चलो जी तुम काहे बैठे हो, चलो ना मर तो चलो चल चल। बाप रे माधो काका, घर चल, तेरे बापू के पास चल, बैठ यहाँ बैठ। क्यों रे वो मजदूरी के पैसे कहाँ हैं? वो तो हम सावित्री मौसी को देत रहे। अच्छा हम तो समझत रहे कि तू मजदूरी के पैसे तुहार बापू को देते है,
वो तो अच्छा हुआ कि कल हम वहाँ से गुजर रहे थे तो सावित्री तारीफों के फूल बरसा रही थी और कह रही थी कि मजदूरी के पैसे तू उका दे दे। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? हम तेरे कोनो नहीं और वो तेरे रिश्तेदार है का? ब्याह से पहले ही उका पैसे दे रही। हमने कोनो रिश्ता नहीं बनाया, सावित्री मौसी के बदले काम कर रहे थे, सो पैसा तो उन्हीं को देना था ना। बड़ी मुश्किल में थे वो लोग, सावित्री मौसी के बीमारी पे सारा पैसा खर्चा हो गया उनका, हमने थोड़ी मदद कर दी तो का बुरा किया? अच्छा वो बेचारे और तू कौन रईस की बेटी लागे जो उका मदद करनी चली? कई दिनों से देख रहे हैं तेरे लक्षण कुछ ठीक नहीं लागत, कई बार तुझको रोका टोका लेकिन तू उकल मुए के साथ मिलते ही रहती। हाँ क्योंकि हम दोनों ब्याह करना चाहते थे, हमका तो लगा था कि हमारे माता पिता कभी इनकार नहीं करेंगे ब्याह से। अच्छा बहुत अच्छा सोचा तुमने, खुद के ब्याह का फैसला खुद ही कर लिए और सोच लिए कि हम इनकार नहीं करेंगे, पर हम इनकार करते हैं। तू ऊ के घर आज के बाद कभी नहीं जाएगी, अगर जाएगी ना तो तोहरी टांग तोड़ दूंगी। मगर क्यों? क्योंकि वो लोगों के साथ हम कोनो रिश्ता रखना नहीं चाहते। अम्मा किस लिए? इसलिए कि तू ओ का वास्ते हमरे साथ जबान लड़ा दियो, कल को तू तोहरे बापू को और हमको जूते से पानी पिलाएगी। मगर अम्मा हम उसे प्यार करते हैं। हम का बोल रही हूँ, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, कहाँ प्यार करती है? मार हमका, तू जान जान से मार डाल हमका, मार मार ना। बस कर लक्ष्मी बस कर, पंचायत में तूने जो कुछ किया था वो भी गलत था और अब जो तू कर रही है वो भी गलत है। तुम चुप रहो जी, खुद तो कुछ करते नहीं हो, जो कुछ करते हैं हम करते हैं, बीच में टोकत रहते हैं। अरे आप कहाँ जा रही है? अब आवत है, जा। हम ज्ञान दे अक्षरदान दो, अक्षरदान दे। बालक हो या प्रौढ़ हो है सब शिक्षा के हकदार, फैलाए प्रकाश हर दिशा दूर करे अंधकार। बाल नर नारी भारत बने महान, भारत बने महान, भारत बने महा।